बजट है जब भारी भरकम, स्कूल क्यों हो रहे बंद? इनके लिए कोई भी मतलब रूम की व्यवस्था नहीं है। जमीन न मिलने की क्या है जमीनी सच्चाई? व्यवस्था नहीं है तो खिलवाड़ किया जा रहा है। शिक्षा महकमा क्यों कर रहा नौनिहालों से मजाक? किताब के पन्नों में दिखा करके शिक्षा का गुणवत्ता दिखाया जाएगा, तब तक यहाँ शिक्षा का स्तर कभी संभव ही नहीं। स्कूल वहाँ कर दिए विलय जो खुद है भवनहीन विद्यालय। अधिकारी कभी आए हैं मुआयना करने? अधिकारी कभी नहीं आए। जी मीडिया की बड़ी मुहिम, तालाबंदी की तहकीकात। बिहार में प्राइमरी शिक्षा की बदहाली पर हम सबसे बड़ी पड़ताल कर रहे हैं। सीमावर्ती जिले किशनगंज से ऐसी खबर सामने आई जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। किशनगंज के पाठमारी गांव के आसपास कोई स्कूल नहीं है, ऐसे में वहां के बच्चे रोज सरहद पार नेपाल पढ़ने जाते हैं। सरहदी इलाके में प्राइमरी शिक्षा का हाल, निवासी भारत के पढ़ने जाते हैं नेपाल। नेपाली राष्ट्रगान गाते इन स्कूली बच्चों को देखो, ये नेपाली नहीं भारतीय हैं। सरहदी जिले किशनगंज के रहने वाले हैं। ये नेपाल का राष्ट्रगान क्यों गा रहे हैं, अब ये भी जान लीजिए। प्राइमरी शिक्षा पर जी मीडिया की पड़ताल में ये सामने आया कि किशनगंज के पाठामारी गांव के आसपास कोई स्कूल नहीं है, लिहाजा यहां के बच्चे रोजाना सरहद पार नेपाल के इस स्कूल में पढ़ने आते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाई भी बहुत अच्छा होता है, इंडिया से ज्यादा होता है पढ़ाई यहाँ पे। अच्छा नेपाली, इंग्लिश, विज्ञान, सामाजिक, गणित, कंप्यूटर, मैथ। यहाँ के लोग इस बात के लिए नेपाल के एहसान मंद हैं कि उनके बच्चों को स्कूली शिक्षा मिल रही है, लेकिन अफसोस ये भी है कि अपनी सरकार आजादी के बाद से आज तक स्कूल भी नहीं खोल पाई। जल्द से जल्द सरकार को ध्यान देना चाहिए कि यहाँ एक स्कूल होना चाहिए ताकि यहाँ का बच्चा बाहर ना जाए, अपना देश में पढ़े। ये तो नेपाल का एहसान, हम लोग मानते हैं कि हमारे बच्चे को शिक्षा देते हैं। नेपाली स्कूल के शिक्षक कहते हैं नेपाल सरकार ने जो सिलेबस तय कर रखा है उसी के अनुरूप ये बच्चों को पढ़ाते हैं, इससे भारतीय बच्चों को उनके अपने देश के बारे में जानकारी कम मिल पाती है। नेपाल गवर्नमेंट हमको जो बुक्स दिया है, हमारा जो नॉर्म्स है उसी के आधार पर हम उन लोग नेपाली राष्ट्रीय गीत, नेपाली महापुरुष के बारे में उन लोग हम जानकारी देते हैं। अभी फिलहाल तो 15-20 बच्चे आ रहे हैं 1-5 तक, पहले अभी तक 2-4 से विद्यार्थी लिख पढ़ के यहाँ से करियर बना चुके हैं। स्कूली शिक्षा अपने राष्ट्र पर गौरव करना सिखाती है, देश का जिम्मेदार नागरिक बनाती है, लेकिन ये वो बच्चे हैं जो भारतीय होते हुए भी अपने देश की संस्कृति अपने महापुरुषों से अनजान है।